हेलो दोस्तों, प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको नहीं खाना होता है। जो महिलाएं इन चीज़ों को खाती हैं उनके गर्भ में शिशु का विकास रुक जाता है, शिशु परेशान हो जाता है, शिशु के साथ कई समस्याएं आ जाती हैं, या यूं कहिए कि पेट पे बहुत बड़ा धक्का लगता है। जैसे आपको कोई गलत बात बोल देता है तो दिल पे धक्का लगता है, वैसे ही अगर आप इन चीज़ों को खाएंगी तो आपके पेट में धक्का लगेगा। आपको ये नहीं खाने हैं। क्या क्या नहीं खाने हैं आपको मैं बताने जा रही हूँ। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भ में शिशु पल रहा है, तो शिशु के खातिर आप इन चीज़ों को नहीं खाएं, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस आगे जाके नहीं आए। दोस्तों, तुलसी के पत्ते का सेवन प्रेग्नेंट महिला को नहीं करना चाहिए। तुलसी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो गर्भ में पल रहे शिशु के विकास पर बुरा असर डालते, इसलिए तुलसी नहीं खाएं। कई लोग काढ़ा बना के पीते हैं, पर तुलसी का पत्ता डाल के नहीं पीने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। गर्भावस्था के दौरान मछली खाना बहुत फायदेमंद होता है, पर इस बात का ध्यान रखना है मीठे जल का जो मछली होता है वही खाने हैं। समुद्री मछलियों को नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इसमें मरकरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और शिशु के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, तो आपको समुद्री मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। कच्चा पपीता, इसमें लेटेक्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो गर्भाशय को संकुचित करता है। गर्भावस्था के दौरान कच्चा पपीता खाने से गर्भ को नुकसान पहुंचने की संभावना बनी रहती है, इसलिए कच्चा पपीता आपको नहीं खाने हैं। कई महिलाएं फास्ट फूड का सेवन बहुत ज़्यादा करती हैं, स्वाद के लिए वो ज़्यादा खाने लगती हैं, पर फास्ट फूड आपके गर्भ के लिए बहुत नुकसानदेह है। शिशु का विकास रुक जाएगा, शिशु में विकलांगता आ जाती है, इसलिए फास्ट फूड खाने से बचना चाहिए। अधपका या कच्चा नॉनवेज आपको नहीं खाना है दोस्तों, चाहे अंडा ही क्यों ना हो। इससे उल्टी, दस्त, पाचन संबंधी समस्याएं आ जाएगी, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, इसलिए आपको कच्चा नॉनवेज नहीं खाने हैं। उसके बाद कैफीन की बारी आती है। गर्भवती महिला को कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए। कैफीन शरीर में ब्लड फ्लो को तेज करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। कैफीन का सेवन करने से शिशु के विकास पर भी असर पड़ता है, इसलिए गर्भवती महिला को कैफीन युक्त पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, चॉकलेट, ब्लैक टी, ग्रीन टी, आइसक्रीम आदि का सेवन नहीं करने चाहिए। नशे का सेवन नहीं करने चाहिए। धूम्रपान, अल्कोहल, बियर या किसी भी प्रकार का नशीले पदार्थों का सेवन अगर आप करती हैं तो शिशु पर बुरा असर पड़ता है। नशे का सेवन करने से शिशु मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। गर्भवती महिला को बाहर का खाना, डिब्बा बंद खाना, जूस जो फ्रोजन होता, आर्टिफिशियल स्वीटनर, रेडीमेड फूड, ऐसे चीज़ों को खाने से आपको बचना चाहिए। रोड साइड खाने से बचने चाहिए। चाट पकौड़े बाहर वैसे नहीं खाने चाहिए, इसमें पोषक तत्व नहीं होता, उल्टे आपके शिशु को नुकसान हो जाएगा। इसमें पोषक तत्व तो होते ही नहीं है, आर्टिफिशियल तत्व होते हैं, खाने से पेट संबंधी समस्याएं आ जाएगी और गर्भ में शिशु को परेशानी होगी। दोस्तों, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगी तो शिशु का विकास सही तरीके से होगा और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तो यही चाहती हूँ आपके शिशु का विकास समुचित तरीके से हो, ताकि आप एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे पाएं। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।